कैसे हैं आज आप? और आज मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह, अभी बज रहा है सुबह का 7 और मैंने चढ़ाई अपनी चाय। मुझे जाना है पापा की कीमोथेरेपी के लिए। बहुत ही माइल्ड कीमोथेरेपी डॉक्टर ने बताई है कि अभी जो हम ज़्यादा बॉडी नहीं झेल पाएगी तो माइल्ड कीमोथेरेपी देंगे, एंड बहुत इफ़ेक्टिव भी होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो मैं अभी जाऊँगी, पहले पापा मम्मी को पिक करूँगी, उसके बाद वहाँ से हम हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह निकल चुके हैं हम, और सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों की भीड़ है यहाँ पे। मतलब ऑफिस जाने वाले लगे पड़े हैं, बीच रोड में ऐसे निकलते हैं जैसे मतलब दे डोंट केयर, क्या बोला जाए। अभी बज रहा है सुबह का 8 और मैं निकल गई हूँ पेरेंट्स को पिक करने के लिए, बिकॉज पापा की है कीमोथेरेपी तो अनशुल की होती है नाइट शिफ्ट। वो बेचारा सुबह सुबह सोता है 4:30 बजे और वो तो नहीं जा पाएगा, तो मुझे जाना पड़ता है। अब देखते हैं इस कीमोथेरेपी का क्या रिएक्शन होता है। ये बस वाले, ये लो निकलो भाई निकलो, तुम ही निकल जाओ। सो एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो रही है भाई। मतलब महाराष्ट्र इज एंटायरली लॉक्ड, और जितने भी शहर हैं महाराष्ट्र में वहाँ मतलब लोग फिर से वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसे पहले रूल कर रहे थे। तो इससे अच्छा है ना कि हम हमेशा वही चीज़ फॉलो करते रहें, तो हमें ये एक परमानेंट रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि भाई मास्क लगा के रखो। अभी तो कार में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया, वरना पीपल विल कमेंट। सो प्लीज़ मास्क लगा के रहो यार, कहीं पे भी जा रहे हो। जैसे मुझे जाना पड़ता है हॉस्पिटल जाना है, कहीं पे भी शूट पे जाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं हैंड वॉश करते रहूँ, सैनिटाइज करते रहूँ, आप भी करते रहो। तो बस जी, अब आ गए हैं, पेरेंट्स को पिक करेंगे और फिर निकलेंगे। आज बनी जी को अपनी क्लास अकेले लेनी पड़ेगी, मम्मा इज़ नॉट देयर टू हेल्प। अब मेरी बात सुनते ही नहीं है। आजकल के बच्चे ना अपनी चलाते हैं, उनको लगता है जो मैम बोलती है ना वो सही होता है, एंड बाकी लोग जो बोलते हैं ना वो सब गलत होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है उनके साथ, बट ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे चीज़ों में चेंज आएगा। मेरी मदर बोल रही थी कि तुम भी ऐसे ही करते थे, हो सकता है भाई करते होंगे, बट आज रियलाइज हो रहा है जब बच्चे वो मिस्टेक करते हैं। पापा को हम यहाँ पे एंडोस्कोपी के लिए लाए हैं, उनकी जो फीडिंग ट्यूब है जिसे वो खाते हैं पीते हैं उसको निकालने के लिए है। काफ़ी वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। आपको अपडेट देने की पापा का इको हो चुका है और कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई है। अभी एंडोस्कोपी के प्रोसीजर के लिए लाए हुए हैं, यहाँ बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मतलब अब जा भी नहीं सकते, कुछ खाने के लिए अगर चले जाएंगे और इन नमीन वाली बुला लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ सीढ़ियों पर बैठ के समय पार कर रहे हैं। दो लोग एक साथ अलाउ भी नहीं है, तो मम्मी और मैं, या तो मम्मी रह सकती हैं या मैं, कोई नहीं, ये वक्त भी कट जाएगा, एक बार फिर अच्छा वक्त आएगा, बस उसके इंतज़ार में है कि कब आएगा। तो फाइनली आफ्टर ड्रॉपिंग पापा मम्मी, बहुत सारे काम हो गए आज। पापा की राइस ट्यूब चेंज हो गई, राइस ट्यूब मतलब जो नोज़ में उनके ट्यूब लगी हुई थी वो काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, तो ऐसा बोलते हैं ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाना चाहिए, उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो राइस ट्यूब के बाद उनका होना था इको, वो भी हो गया, उसके बाद कीमो भी हो गया, और बस सब कुछ होने के बाद उनको घर ड्रॉप कर दिया। अब पापा इज़ फीलिंग मच बेटर, पेन वाले डॉक्टर से मिले, पेन वाले डॉक्टर ने काफ़ी सारी नई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं। अब जब ज़्यादा पेन होता है तो दी जाती है मॉर्फिन, मॉर्फिन इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पर्सन, उसका लाइसेंस होता है। मुझे आज ही पता चला ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जिसका लाइसेंस होता है और लाइसेंस के बाद वो दवाई मिलती है, तो वो दवाइयाँ भी आ गई और पापा ने खाई। अब लेट्स सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। फर्स्ट कीमो भी हो गई है, अब नेक्स्ट कीमो है 15th को, तो चलिए घर चलते हैं।
आज रहेगी तो 12 बज गई, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। आके नहा धो के मैं बैठी हुई यहाँ पे और बनी गया अपने फ्रेंड के घर पे, उसके घर पे कोई पार्टी, तो बनी विल बी बैक इन सम टाइम। आज अकेले उसने ऐश करी है घर में, मतलब ऐश ही करना होता है जब अम्मा नहीं है तो, अपनी मर्जी से लाते हैं बच्चे, वैसे भी ये जो ग्रोइंग किड है ना तो इनको ऐसे ही चाहिए। तो अभी मेरी फ्रेंड ने अपने भेजा है हस्बैंड को, वो खुद ही लेके आ रहे हैं साईं बाबा की पापा के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से पापा के लिए ब्लेसिंग ना बहुत जगह से आती है। आप लोग भेजते हो, अब जो भी सुनता है जिसको भी पता है, पापा से लोगों को एक अलग सा ना प्यार है, तो मुझे ऐसा फील आता है साईं बाबा की उदी आएगी तो शायद कुछ चमत्कार हो। मतलब आई डू फील एंड आई बिलीव इन सुप्रीम पावर, कोई ना कोई तो पावर है जो हम सबको चला रहा है। तो इतना थके होने के बाद भी नहा धो के अब थोड़ा रिफ़्रेश फील हो रहा है, अब बनी को देखूँगी तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाऊँगी। बस अभी चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय।